अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ मोदीपुरम स्थित डीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में आज हंगामा खड़ा हो गया। अपनी जायज मांगों को लेकर हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ सड़क पर आ गया और हॉस्पिटल के सामने ही धरने पर बैठ गया। ओडी टेक्नीशियन का आरोप है कि उसे प्रबंधन ने अभद्र व्यवहार करते हुए चाटे मारे। प्रदर्शनकारी लगातार चाटे के बदले चाटे मारने की बात करता रहा। इससे हॉस्पिटल में काफी देर तक हंगामे व अफरा तफरी का माहौल बना रहा। डीएस ग्लोबल हॉस्पिटल मोदीपुरम में बाईपास पर स्थित है। हॉस्पिटल के ओडी टेक्नीशियन सुमित कुमार ने बताया कि उसे अस्पताल के मालिक कृष्ण कुमार गुप्ता ने अपने कार्यालय में बुलाया और कई चाटे मारे। कुछ देर बाद फिर बुलाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फिर चाटे लगाए। सुमित ने बताया कि उसने दवाइयों का पर्चा मरीज को दे दिया ताकि वह बाहर से दवा ला सके। इसे कुपित होकर ही उसके साथ मारपीट की गई। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं सुमित कुमार। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं एचडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, टेक्निशियन के पद पर। मेरे साथ जो है गुप्ता जी ने बुला के नीचे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद मुझे एक घंटे तक बैठाए रखा अपने ऑफिस में, फिर दोबारा बुलाया, फिर दोबारा तीन चार चांटे मारे। उसके बाद में फिर मुझे भेज दिया, फिर मैं बाहर जाती हूँ और मेरे साथ गाली गलौज की, मुझे बहुत गलत गलत बोला। किस बात को लेकर आपके साथ पिटाई? एक पेशेंट का ऑपरेशन होना था तो उसके साथ वालों को ऑपरेशन का पर्चा दे दिया दवाइयों का, तो इसलिए मेरे को बुलाया कि तुमने मर्जी के साथ वालों को पर्चा क्यों दिया, बाहर से दवाई क्यों लेकर आई। आप किस पद पर रहे हैं? मैं ओटी टेक्नीशियन के पद पर हूँ। इस मौके पर पुलिस के अलावा अफसरों को संबोधित एक प्रार्थना पत्र भी सुमित की तरफ से पुलिस को दिया गया। इसके अलावा आंदोलनरत कर्मचारी जिन मांगों को लेकर मौके पर डटे हुए हैं, उनमें से 4 महीने के अवकाश देने, कई साल से वेतन नहीं बढ़ा उसे बढ़ाए जाने, स्टाफ से मारपीट ना की जाए, स्टाफ को निकालने से पहले 2 महीने का नोटिस दिया जाए, वार्ड बॉय व आया की 8 जबकि नर्सिंग स्टाफ की 6-6 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, त्योहार या राष्ट्र अवकाश पर बुलाने की स्थिति में डबल ड्यूटी मानी जानी चाहिए। सुमित ने बताया कि सुबह 11 बजे से ही वे आंदोलनरत है लेकिन प्रबंधन को इसकी कोई चिंता नहीं। हॉस्पिटल में इस वक्त करीब 40 मरीज भर्ती हैं। नर्सिंग सुविधा न मिल पाने के कारण मरीजों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।